बीजेपी से भी खास मेहमान मौजूद हैं, धनंजय गिरी साहब। धनंजय गिरी साहब, लेकिन जो अभी रुझान नजर आ रहे हैं वो आप मानेंगे बीजेपी के लिए झटका है, क्योंकि दो सीटें तो आपकी हैं, अगर वो खाते में चली जाती हैं दीदी के तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा बीजेपी के लिए। समीर जी, ऐसा है कि ममता दीदी की निर्ममता से पूरा बंगाल ही नहीं पूरा देश परिचित है, और बंगाल के चुनाव पर कुछ बोलना क्या कहा जाए, आप अच्छे से जानते हैं कि वहाँ परिस्थितियाँ क्या हैं, जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो चैन की सांस कैसे ले रहे हैं, वहाँ है कि लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है। आप हमसे मतभिन्न हो लेकिन मन भिन्नता नहीं हो, लेकिन बंगाल में इस तरह की कोई बात नहीं है। अच्छा। हमारे साथ रहो तो हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, ये साबित हो चुका है। हाँ। और ममता जी की निर्ममता पूरे सबको जगजाहिर हो चुकी है, लेकिन कहा क्या जाए, लोकतंत्र की खूबसूरती तो वहां समाप्त ही हो चुकी है। जिस ढंग से लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, अनाचार किए जा रहे हैं, और जिस तरह से चुनाव जीतने के बाद से जिस तरह से बंगाल में कत्लोगारत का माहौल फैला, जिस तरह से बलात्कार हुए, जिस तरह से घर से खींच खींच के मारे गए, सरकार की नहीं, अगर सरकार की तरफ से ये मैसेज होता कि जीने नहीं दूंगी, और अगर ममता दीदी में थोड़ा सा होता, अगर ममता दीदी ना मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो खुद सीट हार गई थी। नहीं, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि मैसेज है जीने नहीं दूंगी, तो खुद चुनाव हार गई, फिर नतीजे ऐसे क्यों आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि वहां का परिस्थितियां हैं बिल्कुल भिन्न है। अच्छा, वहां की परिस्थितियां बिल्कुल ठीक है, परिस्थितियां भिन्न है, क्या है ये हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आसाम से एक बड़ी अपडेट। आसाम विधानसभा की 5 सीटों में से 2 के रुझान आ गए हैं। आसाम की दोनों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, ये इस वक्त की एक अहम अपडेट आसाम से आ रही है। और आसाम में हिमांता बिस्वा शर्मा की अग्नि परीक्षा इसलिए है क्योंकि आसाम में ही 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों पर अगर कहीं चुनाव उपचुनाव हुए हैं तो वो है आसाम। और आसाम की दोनों सीटों पर 2 सीटों पर इस वक्त बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, ये ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।